हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपका पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, मैं मान के चलता हूं। और अगर नहीं भी मानूंगा तो भी आपको तो पता ही है क्या कि आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो इसी बात पे एक चर्चा और करते हैं कि आपका स्टडी जो चल रहा है कंटिन्यू, उस कंटिन्यू जो फ्लो चल रहा है, अब उसी कड़ी में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपना टेन साइंस का कौन सा चैप्टर भाई? आज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 9, जिसमें धातु एवं धातु कर्म के बारे में डिस्कशन कर रखे थे और जो कुछ बच गया था उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। 6 अंक वाले जो प्रश्न है उसके भाग 2 है, क्योंकि पहले जो लेक्चर आप देख के आए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप चैनल में जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्सा, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में देखिए 10 साइंस में जाइए और आपको इससे पहले जो वीडियो मिला था आपको उसके बाद आप इसमें आइए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़ें तो चलो अब स्टार्ट करते हैं 6 अंकों वाले जो क्वेश्चन बच गया था उसके बारे में। ज़्यादा सोचना नहीं है, जो होगा जैसा होगा हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो इस पर चर्चा करते हैं भाई। सोचना नहीं है, हम सॉल्व करेंगे, अच्छा होगा। आपको 6 अंक की तैयारी करना ही है तो हम उस पर लगे हुए हैं, तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस वाले जो यूनिट है, जो रामबाण आपकी यूनिट है, कौन सा भाई? ये धातु और अधातु वाला, इस पर जो अभी लेक्चर चल रहा है आपका, वो आपको 110% भाई अगर इसको कर लिए तो ये समझिए कि आपको ये जो 10th साइंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको डर ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे 6 नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि आपको बस हमारे लेक्चर फॉलो करना है और आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो चलो सीक्वेंस बढ़ते हैं भाई। अब हम देखते हैं कि क्या कि जो आपके हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण के जो क्वेश्चन था, जो कि पिछले भी लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, उसका आज हम आंसर नहीं दे पाए थे कल पिछला टाइम, अब आपको आज दे रहे हैं और उसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको डिस्कस करना है, कैसे आपको लिखना है। ए टू जेड मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको मैं बता दूंगा लिखना कैसे है और क्या लिखना है। तो देखो, ये पूछ रहा है कि अयस्क का सांद्रण कोई एक विधि लिख सकते हो। अयस्क का सांद्रण जो है कोई भी एक विधि, 3 विधि होती है आपके बुक में दिया गया है। कौन कौन सा भाई? 3 विधि चर्चा कर लेते हैं। झाग उत्प्लावन विधि, जिसे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोला जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोला जाता है, और चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये 3 मेथड आपको पता ही है अयस्क का सांद्रण का। ठीक है, अब ये जो है कोई एक विधि बताना है आपको, तो आप कोई भी एक विधि लिखिए। कितना अंक का प्रश्न है भाई? कितने नंबर का? 6 अंक का, जिसमें 3 अंक किसमें है? कोई एक सांद्रण के जो विधि है उसको लिख देना, उसमें 3 अंक मिल जाएगी। और 3 अंक किसमें मिलने वाला है आपको? ऑक्साइड के धातु में जो अपचयन हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है अपचयन का, है ना, और उसका जो केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको। देखो कितना सरल पूछ रहा है प्रश्न भाई, मतलब तुम्हें अयस्क का सांद्रण बताना है, उसमें 3 नंबर दे ही देगा। अब वो 3 नंबर तो मिल गया सर, ठीक है, अब अगले 3 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है भाई? वो बोलता है कि अयस्क का जो क्या हुआ है भाई, अयस्क ऑक्साइड का जो धातु में अपचयन हुआ है ना, अभी प्रोसेस कब हुआ था पता है ना भाई? भर्जन निस्तापन कब पढ़े थे? ये तो पढ़े ही होंगे ना, उसमें आपको एक प्रोसेस आता है, उसमें जो यूज होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है उसको बस लिखना है। चलेंगे नेक्स्ट, अभी चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था भाई? मैं बात कर रहा था क्या कि अयस्क का सांद्रण जो है 3 मेथड होता है, 3 विधि होती है, झाग उत्प्लावन विधि और आपका क्या भाई, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और अच्छी चीज बताओ, मजेदार चीज, कि ये जो आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है ना, वो हेमेटाइट के लिए यूज होता है बच्चों। हेमेटाइट के क्या है जो प्रश्न है आपका, क्या है भाई? देखो, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण के लिए किसके यूज किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। अब आप इस तीनों में से कोई एक विधि बोल दिए पेपर में, ये नहीं बोला कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को ही समझाइए करके, वो स्पेसिफिक बोल सकता है झाग उत्प्लावन विधि क्या है उसको समझाइए, 3 नंबर में ये पूछ देगा, 3 नंबर में अलग क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसा पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब कोई एक विधि बोल रहा है तो आप क्या करो, तीनों को लिख दोगे क्या? ये तीनों को ऐसे लिख देना, देखो ऐसे के सांद्रण की 3 विधि होती है, ठीक है, तीनों लिख दिए। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हम बात करें जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों वीडियो को भगा देते हैं, सॉरी, दोनों जो आपका क्या है, ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, उसको भगा देते हैं। चलो भगा दो। अब किसके बारे में डिस्कस करना है? झाग उत्प्लावन विधि के बारे में डिस्कस करना है। और किसके बारे में डिस्कस करना है जी? हमें डिस्कस करना है अब झाग उत्प्लावन विधि के पूरा, उसका क्या मेथड रहता होगा, डायग्राम कैसा रहता है उस पर। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब झाग उत्प्लावन विधि क्या होती है? ये जो है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए भाई? सल्फाइड जो अयस्क रहता है उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि का। और इस विधि में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क में तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर, देखो अधिक दाब पर, ये याद रखना, अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग जो है उत्पन्न होती है। तेल और जल डालना किसमें? जो आपके
आपका जो देखो झाड़ू उत्पादन विधि में जो अयस्क रहता है उसके जो सल्फाइड अयस्क रहते हैं उसको सांद्रण करना है अगर, तो इस विधि में क्या करना है आपको, तेल लेना है, जल लेना है और जो सल्फाइड अयस्क है उसमें मिला देना है। फिर क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। देखो फोटो देखते हैं, ये देखो ऐसा फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग, है ना। ये आपका ये जो चलता रहता है, मशीन चलता रहता है, इधर से आपको क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर जो है ऊपर में दिखाई देने लगता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है प्रोसेस बच्चों, आपको डील करना है। अब ये डील कैसे करना है, ज्यादा इसमें तुझे चर्चा नहीं करेंगे, अब डील कैसे करना है, अब पूछा गया था ठीक, तो अब क्या करना, पहले मेथड, मेथड क्या है उसको बता देना, किस विधि पर काम करती है उसको बता देना, थोड़ा चार लाइन लिखे, उसके बाद क्या करना है, डायग्राम बना देना। डायग्राम में आपको क्या मिल गया भाई, फिर मिल गया डेढ़ नंबर, डेढ़ मतलब 1.5 G, इससे मिल गया। अब ये लिखे और इसको समझा दिए, इससे भी मिल गया। अगर इसमें कुछ रिएक्शन यूज हुआ है उसको भी लिख दो, 3 नंबर मिल गया आपको। बस इस प्रकार से स्मार्ट वर्क करके आपको लिखना है। और ये मेथड समझ में आया, झाग के माध्यम से होता है, ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा इसमें, वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे और डिस्कशन करना है। तो मैं बात कर रहा था क्या, फ्रॉथ प्लोटेशन मेथड, जो कि इस प्रकार आपको मेंशन करना है, इस प्रकार आपको लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के हिसाब से आप डिस्कस करना है। और जो चीज समझे हो, अगर रट नहीं रहे हो आप, जो समझे उस चीज को लिखते हो तो जांचने वाला भी खुश होकर नंबर देगा बच्चों ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं क्या कि अरे हाँ भाई, ऑक्साइड के धातु में अपचयन का जो है, देखो ऑक्साइड के धातु का में अपचयन जो है प्रगलन विधि होती है, उसमें हमें अपचयन के क्षेत्र पे क्या क्या अभिक्रिया होती है इस पर चर्चा करना था, है ना। उसके बाद जो धातुमय क्षेत्र है उसमें भी क्या क्या रिएक्शन होती है इस पर चर्चा करना है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब देखो ऑक्साइड के धातु में अपचयन होता है, अब देखो भर्जन और निस्तापन का प्रोसेस होता है, उस सब प्रोसेस के बाद, है ना, उस सब प्रोसेस के बाद अब थोड़ी देर में बताऊंगा कि भर्जन और निस्तापन क्या होती है, इस पर चर्चा करूंगा मैं। भर्जन और निस्तापन ये प्रोसेस है, इसके बाद क्या होता है, धातु में अपचयन होता है। भर्जन निस्तापन में क्या होता है भाई, भर्जन में सल्फाइड अयस्क जो है उसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसको गलनांक से कम तापक्रम में उसको क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कराते हैं। फिर वो क्या होता है, आपको ऑक्साइड मिल जाता है सल्फाइड अयस्क का। अब क्या बच गया, आपके कार्बोनेट बच गया। कार्बोनेट में चूंकि ऑक्सीजन पहले से रहता है, तो उसको कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट उसको हीट देते हैं, उसको गलनांक से कम ताप में उसको रखा जाता है। फिर क्या मिल जाता है आपको, ऑक्साइड मिल जाता है, किसका, कार्बोनेट का ऑक्साइड मिल गया, सल्फाइड की जो अयस्क है उसका ऑक्साइड मिल गया। अब बात आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते पता चलता है अरे इसमें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, ऑक्साइड है उसको निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालना है आपको, क्या करोगे भाई, जाना ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो मुझे, ऐसा बोलना है फिर निकलेगा। अब ऑक्सीजन को निकालना है तो क्या करोगे भाई, अपचयन विधि करोगे, अपचयन का मेथड अपनाओगे। अब इस अपचयन मेथड कैसे करोगे उसका चर्चा आज करना है। समझ में आई बात, आप सब चीज कर दियो भाई, देखो क्या क्या कर लियो, पहले ये देख लो अयस्क का सांद्रण सबसे पहले कर दिए, आपको मिल गया झाग उत्पादन विधि से आपको अयस्क की प्राप्ति हो गई। अब सांद्रण करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई वो जो बीच में प्रोसेस है वो पूछा नहीं है तो हम बता नहीं रहे, मैं ओरली आपको बोला हूँ वो आपको समझाने के लिए कि क्या उस पड़ाव पड़ता है बीच में। उसके बाद इसमें आते हैं कि वो जो धातु है वो ऑक्साइड बना हुआ है, उस धातु ऑक्साइड से जो मुझे क्या लेना है, प्योर आपको क्या लेना है, अयस्क लेना है, लोहा लेना है अगर, तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा सर। उसमें क्या करना है भाई, ऑक्साइड का धातु में अपचयन करना है, और अपचयन के क्षेत्र में क्या होता है भाई, इसका टेम्परेचर 400 to 600 में भी इतना आसपास होता है, उसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, जो आपके कार्बन है वो पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखना यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमेटेट के साथ रिएक्ट करके ये देखो क्या बना दिया आपका, Fe3O4 बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया जी, ये प्रोडक्ट बना जैसे ही, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं यहाँ से ना, ये बात क्लियर रखना। फिर यही जो है इसको लेकर आप क्या कर सकते हो, जो बचा हुआ एक्सेस मात्रा में जो कार्बन ऑक्साइड है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका इससे रिएक्ट कराओ, फिर आपको मिल जाएगा आयरन के ऑक्साइड मिल जाता है। ये टाइप आपको रिएक्शन देना है, जो रिएक्शन हुआ था, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा लंबा भी है ये प्रोसेस, आपको रिएक्शन याद रखना है क्या क्या प्रोसेस होता है भाई। पहले कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर वायु की उपस्थिति में कार्बन जो है क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड देखो ये जो एक्सेस मात्रा में बचा जाता है इसको रख दे रहा भाई, फिर पता चलता है क्या उसका कम मात्रा में यूज करके हेमेटेट से Fe3O4 बना देता है। फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, उसको वात्य भट्टिंग किया जाता है, ये सब प्रोसेस वात्य भट्टिंग होता है, क्लियर है। थोड़ी देर में चित्र भी दिखा दूंगा, डायग्राम भी दिखा दूंगा। ये होने के बाद थोड़ा स्पीड हो गया था Fe3O4
ये जो है प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या करता है, वो जो है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक्सेस में था बहुत मात्रा में होता है, इस कारण से अग्नि से ईटे रहते हैं ये सब प्रोसेस गर्म, इतना टेम्परेचर भी 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत चीज है इसमें, फंडामेंटल बहुत चीज है जो ये छोटा सा जरूर क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन इसको समझाने में एक टीचर को बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ता है, जिसको मैं समझाया अपने ऐप में भाई, ठीक है। अब ऐप के बारे में ज्यादा और बताना नहीं चाहूंगा अभी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe3O4 से रिएक्ट करेगा, फिर फेरस ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मुक्त कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता रहता है, फिर अंत ऐसा कंडीशन आता है कि फेरस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में मिलकर भाई क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और आपको प्योर क्या मिल जाता है भाई, प्योर आपको मिल जाता है आयरन, जो कि रिएक्शन है जो कि पूछा गया था। ये आपको दिला दिया भाई, कितना नंबर जी, ये आपको दिला दिया 1.5। कैसे लिखते हैं यहाँ पर, गलत लिखा था देखो, 1.5, बात समझ में आई, 1.5 नहीं, इसमें आपको ये लगभग 2 नंबर मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो सफिशियंट था, अब थोड़ा बच गया है उसको गहन क्षेत्र में है और लेके चलना है उसमें, फिक्सर मिल जाएगा धातुमय क्षेत्र में। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जो क्या है जी, गलक का यूज होता है SiO2 सिलिकेट का, उसका यूज करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है जो कि धातुमल के रूप में निकल जाता है, फिर इससे आपको मिल गया क्या, एक नंबर इससे मिल गया, तो टोटल आपको 2+1 3 नंबर मिल गया केमिकल रिएक्शन बस लिखने में। क्लियर, बात समझ में ही, आपको याद नहीं होता तो ये प्रोसेस को समझ के याद करिए, कैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में बट रहा है, फिर ये एक्सेस मात्रा में जो रहता है वो कार्बन से रिएक्ट करके कोक से, कोक का आपको बहुत अच्छे तरीके से बुक में आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, या फिर हमारे ऐप में जो वीडियो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ मैं। हाँ, फिर ये होने के बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, फिर तब जाके धातुमल अलग निकल गया, आयरन इधर मिल गया, आयरन मिल गया आपको जो काम था, जो लाखों लोग जो करोड़ों लोग जो मेहनत किए थे आयरन पाने के लिए, वो प्रोसेस हो गया, अब जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ये जो क्या था आंसर था किसका, जो पूछा गया था आपका 2019 में भी, 2019 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, है ना। हाँ, ये वाली हेमेटाइट वाला, हेमेटाइट का जो क्वेश्चन था उसको कहा गया, हाँ हेमेटाइट का ये वाला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था भाई, 2019 ABC आपको आंसर मिल गया, जो कि कल का रह गया था बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई आज का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा हाँ, वात्यभट्टी तो बच्चा है जी, अरे वात्यभट्टी चित्र भी बताओ, तब जगह आपको 3 नंबर मिले कंप्लीट, मतलब एक एक नंबर है समझो, एक नंबर पहला में, एक नंबर इसमें, एक नंबर इसमें, 3 नंबर मिल जाएगा। वात्यभट्टी का चित्र देखो, अब ये वात्यभट्टी कैसा होता है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, वात्यभट्टी चित्र बहुत अच्छे तरीके से बुक में भी दिया है, मैं भी बताया हूँ, टेम्परेचर कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड धातुमल इधर जगह दिया गया है, कहाँ धातुमल इधर पिघला लोहा है और ये गर्म हवा इधर निकलता है, गलन क्षेत्र है, अपचयन का निचला क्षेत्र है, ये वात्यभट्टी का आपको चित्र बना ही देना है, अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। और हाँ, ये याद रखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जितना हो सके अच्छे से अच्छे लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए, ज़्यादा इधर उधर, अब 6 नंबर का ही है बोल के आप क्या कर रहे हो, पूरा 2 पेज भर रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप 2 पेज भरो लेकिन क्या करना, डायग्राम को अच्छे से बनाना, सुस्पष्ट बनाना और बेहतरीन क्लियर तरीके से बनाना, और कोशिश करना कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो आपके पॉइंट से संबंधित रहे। अब पूछा है अपचयन क्षेत्र का, आप लिख रहे हो क्या, आप भर्जन और निस्तापन को एक्सप्लेनेशन में लगे हुए हो, ठीक है भर्जन निस्तापन लिख दो, आपके पास पेज है लिख दो, लेकिन अपचयन क्षेत्र को भी मेंशन करो भाई, अपचयन क्षेत्र जो बेचारा है वो पूछ रहा है उसको भी बेइज्जती महसूस होगा ना, कि मैं पूछ के आ रहा हूँ, बच्चा लिख क्या रहा है, सर दे क्या, जो अब जांच करता है वो बोर्ड ऑफिस में जाएगा टेंशन में बैठा रहता है, उसको तो आपको लगता है कि आप अकेले स्टूडेंट का चेक होता होगा, उनके पास 100-100 स्टूडेंट का एक दिन में बंडल आता है, उनको चेक करना है और अब देखना कोशिश करना, बहुत लोग तो ऐसे जो अभी इप्सा टीम के बारे में जानते नहीं हैं, अब वो लोग क्या क्या आंसर लिखे नहीं अच्छे से, और आप रहे, अब आप क्या किए, थोड़ा सा आलसी करने के लिए आप कम लिख दिए, तो जो लोग पहले से नहीं लिखे आंसर उन लोग के बीच में आके आपका भी मिल गया आंसर शीट, तो क्या करेंगे, आपको भी 6 नंबर का है एक नंबर दे दी, लेकिन आप जो है आलसी नहीं किए, स्ट्रेटजी के साथ गए, 6 नंबर के लिखे, अब जज करता क्या करेगा, जो चेक करने वाला, अरे ये लड़की कुछ लिखी है, अरे ये लड़का कुछ अच्छे से लिखा है, चेक करेगा उसके बाद 6 में 6 नंबर देगा। क्लियर, बात समझ में आई, तो भाई स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक की बात समझ में आई, अब मैं आगे देखता हूँ नया क्वेश्चन, संचारण किसे कहते हैं, कल डिस्कस किया था, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, संचारण से बचने के
उपायों का वर्णन कीजिए। भाई इसको मैं बताया था उपाय क्या क्या होती है, इस पर थोड़ा सा हल्का फुल्का बता ही दिया था, चलो लिखित में देख लेंगे। तो बच्चों बताओ संस्थान को प्रभावित करने का कारक क्या है, क्यों जंग लगता है बताओ भाई, जंग क्यों लगता है? सर धातु की क्रियाशीलता, वायुमंडल की प्रकृति, अशुद्धियों की उपस्थिति, धातु में विकृति, ये सब रीजन होता होगा। हाँ क्यों? क्योंकि जो ज्यादा देखो कम क्रियाशीलता तत्व है आसपास में, कुछ ऐसे नेचर है या फिर जैसा भी आपका इन्वायरमेंट है, अधिक क्रियाशील धातु आ जाए या फिर उसका नेचर होने के कारण क्या होता होगा, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलो इसमें मैं लास्ट में आऊंगा, ये थोड़ा जटिल लग जाएगा आपको। धातु देखो वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल में उपस्थित भाई नमी, गैस, इधर उधर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा पदार्थ रहता है, आपका धातु बेचारा पड़ा हुआ है, खिड़की बेचारा पड़ा हुआ है। अब कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, वो तो मशीन नहीं है, है ना, मशीन तो नहीं है कि उसको बार बार चेंज करते रहो, उसको साफ करते रहो, वो तो क्या है भाई एक पदार्थ है, उसके पास ना जान है, जिए कुछ नहीं है, खराब तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अशुद्धियों की उपस्थिति, वही वाली बात कर रहा था मैं, ये हुआ वायुमंडल की प्रकृति, अशुद्धियों की उपस्थिति, बहुत सारा गैस वैस तत्व है इधर उधर के, जो है वाटर वाटर के सब नमी वमी सब का इफेक्ट पड़ता है, क्या हो जाता है भाई सबके इफेक्ट होने के कारण ये भी खत्म करने जाते संचालन होने लगता है। धातु में विकृति उत्पन्न हो जाती है, कोई धातु जो है कोई देखो कोई खिड़की है चैप्टा हुआ है बीच से, कोई खिड़की आधा कटा हुआ है, भाई आधा कटा हुआ है तो जो उसे कोर है उसे कोने में क्या है भाई कुछ ना कुछ ऐसा तत्व आ सकता है, वहाँ पर बैक्टीरिया आ सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है और इजीली हो सकता है और पपड़ी जम सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखो यूनिटी में रहता है पूरा, हर चीज़ बॉडी उसका क्लियर है, हर चीज़ सही सलामत है, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टूट गया कट गया तो वहाँ पर क्या हो सकता है उस जंग लगने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या है भाई विकृत अवस्था में, विकृत अवस्था होने के बाद रिएक्शन जो है बहुत जल्दी वापस कर सकता है और उसको स्पेस मिल जाता है, किसको, बहुत सारे बैक्टीरिया जितने भी होने वाला जंग के लिए वो सब के लिए रास्ता मिल जाता है। बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? अब उसको उपाय देखते हैं, उपाय में क्या है भाई संचालन से बचने के उपाय, धातु पर पेंट या फिर ग्रीस लगा देने से ये बताया था, धातु के ऊपर तेल की परत लगानी चाहिए ये भी बताया था मैं, और धातु पर दूसरी धातु की चादर या फिर परत चढ़ा देना चाहिए ताकि पहले वाला धातु जल्दी खराब हो जाए नीचे वाला बचा रहे, तीसरा वाला धातु जल्दी खराब हो जाए दूसरा बचा रहे, दूसरा वाला खराब हो जाएगा तो तीसरा तो होगा ही नहीं, कम होगा कब तक, 4000 साल में गया सब खत्म हो गया है ना। तो ये सब के प्रोसेस जो है क्या है भाई संचालन से बचने का उपाय। क्लियर बात समझ में आई? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं क्या, जोन शोधन एवं विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु के शोधन की विधि को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है, ये पूछा जा सकता है। और इस चैप्टर से और क्या क्या बच गया है वो सबसे क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी क्या है जोन शोधन बच्चों, जोन रिफाइनिंग ये तो जानते ही होंगे, जोन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि धातु में अशुद्धियाँ होने पर उसका गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है, ये बात किया हुआ है मैं इसके चैप्टर में अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जोन शोधन से क्वेश्चन आ सकता है। और जितने भी मेथड है भर्जन निस्तापन और जितने भी ब्लास्टिंग के बाद जो बचता है जितना भी आपके चैप्टर में है उससे क्वेश्चन बन सकती है, लेकिन कोशिश ये करिएगा आप लोहे का जो क्वेश्चन है उसको छोड़िएगा मत, है ना, लोहा का जितना भी है प्रोसेस उसको अच्छे से करके जाइए, और आपको भर्जन निस्तापन और जो आयसों का सांद्रण का तीनों मेथड इसको पूरा क्लियर करना है, क्योंकि 6 नंबर में यही रिपीट होगा और कुछ नहीं रिपीट होगा। और बच गया क्या जंग का रासायनिक सिद्धांत, वो 3 नंबर में गारंटेड है, मतलब आप बोलोगे कि पढ़े तो पढ़े क्या, सब पढ़ने बोल ही रहे हो, तो क्या करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत स्मार्टनेस और शार्पनेस करना है स्मार्टनेस में, तो ये करना कि धातु का जो है धातु कर्म है जो प्रोसेस वो पूरा आप ए टू जेड क्लियर करना। अब अगर छोड़ने का मन कर रहे हैं तो क्या करना है, रासायनिक सिद्धांत जो है अगर आपको बोर लगता है आपको या फिर याद नहीं होता या फिर दिक्कत आती है तो उसको छोड़ देना, लेकिन आप धातु कर्म कंप्लीट करना, लोहा कंप्लीट करना, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ दिया किसमें धातु का रासायनिक सिद्धांत सॉरी जंग का रासायनिक सिद्धांत अगर पूछ दिया तो क्या करना उसको छोड़ना है, नीचे में जो है उसको करना, लेकिन चांसेस ये है बच्चों कि आपको अगर 75 में 75 लाना है अगर टारगेट है तो छोड़ना मत, उसको प्रैक्टिस कर ही लेना, उसका रिएक्शन बस थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, बाकी थ्योरिकल जो बोलता है विद्युत रासायनिक भांति काम करता है, ये कैथोड में ये रिएक्शन होती है, एनोड में ये रिएक्शन होती है और क्या होता है भाई Fe2O3H2O बन जाता है, बहुत ही सरल है ना, ज़्यादा इसमें तब वाली बात नहीं है, आप कर ही लेना। और जोन रिफाइनिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मिश्र धातु की, अब मिश्र धातु पता ही है क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर बना दिया जाता है, ये बारे में बताया होऊंगा मैं, अगर नहीं भी पता तो इतना जानते ही होंगे, मिश्र धातु तांबा ये सब तांबा और कापर को मिलाकर कासा वासा जो आप बढ़ाया था सिक्का बनता है वो भी मिश्र धातु का है,
बस आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना, जैसे स्टेनलेस स्टील बनता है, जस्ता का यूज़ होता है, जिंक का यूज़ होता है, ये सब कुछ कुछ है जो शुरू के 4-5 रहता है जो डिप्यूटेड पोर्शन है, उसको आप टिक करना, एक एक नंबर में आता है जर्नलिस्ट से, उसको टिक करना और उसको थ्योरी भी पूछ मत जाए करके आपको उसको तैयारी करना है। 3 नंबर पूछ दिया, इनमें से ये मिश्रण है कितने परसेंट का मिश्रण है, इसको भी याद रखना, पता चल रहा है किसी में कॉपर कम है किसी में आयरन कम है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आयरन ज़्यादा है कॉपर ज़्यादा है करके टुक्का मार दिए, नंबर तो ना मिलेगा, फ्री तो ना देंगे भाई, तो सही भी टुक्का मारना है अगर आपको टुक्का मारना तो, लेकिन टुक्का मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर, बात समझ में आई। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने डील कर दिया बच्चों, अब आपको 6 में 6 अंक मिल गया इस वाले चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ते हैं अधातु के रसायन के बारे में, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं भाई, कहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। हाँ, अब एग्जाम सीरीज मिशन 2022 ये क्या है भाई, इसके बारे में भी बता देते हैं हम जो चला रहे हैं, जो आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं वो क्या है भाई, मिशन एग्जाम सीरीज ही है। आपको क्या करना है, आपको हमसे जुड़िए और अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग को ज़रूरत है उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको भेजिए और बोलिए कि सर मैम सब लोग लगे हुए हैं आपकी एजुकेशन के लिए, आपके स्टडी के लिए, 1 महीने का ये जो आपका ईयर है उसमें हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, तो बिल्कुल जिसको नीड है उनके तक भेजिए बच्चे। तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। तो मैं, हाँ अरे एक चीज़ को भूल गया था, मैं एक संचारण के एग्जाम्पल में कुछ डील करना था, उस पर चलता हूँ मैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, वो जो संचारण था क्वेश्चन वो बच गया था बच्चों, कहाँ है वो संचारण का क्वेश्चन, मैं बात करूँ संचारण, अरे कहाँ गया जी, चला गया क्या। हाँ, धातु की क्रियाशीलता इस पर डिस्कस कराया था भाई, इसका ये था कि जो क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, ये सब तो चक्कर तो हमें आता ही है किसमें, क्योंकि हमने क्या देखा था, क्या क्रियाशीलता की श्रेणी देखी थी, सक्रियता श्रेणी देखे थे। अब उसमें पता चलता है कि जो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जो जितना सक्रिय रहेगा वो जल्दी जंग लग सकता है, क्यों, क्योंकि वो सक्रिय उसकी क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो जंग भी लगेगा और उसमें संचारण की प्रकृति होगी वो भी जल्दी हो सकता है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, इस कारण से सोचा कि आपको लास्ट में बताऊं करके, ठीक है। और ये वायुमंडल की प्रकृति बताया था, और अशुद्धियों की उपस्थिति, भाई छोटे छोटे सेल बन जाता है किसका, संचारण होने के कारण, ये तो पता ही है, वो बन जाता है, उसमें जुड़ता है, बन जाता है, ठीक है, खराब करने लगता है। धातु की विकृति, अब विकृति के बारे में डिस्कस किया था, मुड़ गया, टूट गया, फट गया, यहाँ पर परमाणु आपस में आ गए, तनाव उत्पन्न हो गया, क्या होगा भाई, खराब होगा, ठीक है। तो ये डिस्कस कर बचा हुआ था भाई, अब मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।